अखाइन में मां लथोड़ी की पूजा की गई। बलियापुर प्रखंड अंतर्गत बागमारा पंचायत के आमटार गांव में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां लथोड़ी की पूजा पारंपरिक रूप से की गई। सर्वप्रथम लयाबासु राय, भीम राय एवं गोपाल राय के द्वारा मां लथोड़ी की पूजा अर्चना की गई। अहले सुबह से ही लोगों का आना जाना और पूजा करने की परंपरा लगा रहा। सैकड़ों महिलाएं दंडवत करते हुए मां के यहां पहुंची। पूजा के दौरान मिट्टी का घोड़ा, कबूतर, मुर्गा, बकरा आदि चढ़ाया गया। मेला में झारखंडी संस्कृति, नटुआ और झूमर नृत्य का कार्यक्रम भी किया गया। मेले में मुख्य रूप से प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी महतो भी उपस्थित हुई और पारंपरिक पूजा पद्धति एवं झारखंडी संस्कृति को बचाए रखने की अपील की, क्योंकि झारखंडी मूलवासियों की संस्कृति है, दूसरे संस्कृति से हमें अलग करती है। मौके पर मुखिया कल्पना गोराई, पंसद नमिता देवी, पंसद गीता देवी, उप मुखिया विवेक महतो, संजीत गोराई, सपन कुमार महतो, संतोष महतो, मंगल महतो, धीरन महतो, दशरथ महतो आदि मौजूद रहे। सभी को जोहार, साथ में पूरे ग्राम वासियों को जोहार। लथोड़ी माँ, जिनमें हम सभी का बहुत बड़ा मतलब आस्था है, ये आस्था का मतलब एक पर्व मनाया जाता है। जिस तरह हम लोग एक झारखंड वासी मूल वासी, हम लोग आकृति नहीं प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पर ही हम ही लोग का आस्था है। एक किसान, एक ग्रामवासी जब फसल की कटाई करके मतलब पूरी तरह से अच्छे फसल कटाई करके खुश जाते हैं, तब हम लोग का त्यौहार मनाया जाता है। कल आपने देखा कि हम लोग टूसू पर्व का विसर्जन किए। टूसू पर्व के बाद आज हम लोग का लथोड़ी थान में मेला है। लथोड़ी माँ को लेकर हम लोग का आस्था है। यहाँ एक कलम भी गुम हो जाता है तो तुरंत लोग मानसिक कर देते हैं, जिनकी मनोती पूर्ण हो जाती है, तुरंत जो भी मनोती किए हुए हैं वो पूरा कर देते हैं। तभी अपने जो भी देना हो, जिस चीज की ये मानसिक किए हुए हैं वो पूरा जी है। देख रहे हैं कि लोग जो आके जो घोड़ा पे यहाँ जो लथोड़ी थान है घोड़ा चढ़ा रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, वो उनका मन्नत है। जैसे उन कुछ मतलब मन्नत किए थे कि ये चीज मेरा पूरा हो जाता है तो मैं एक मिट्टी का जो घोड़ा है वो चढ़ाऊंगी, तो उसी के लेकर वो चढ़ा रहे हैं। किसी किसी का जैसे कोई यहाँ पे कबूतर का भी बलि होता है, मुर्गा का भी बलि होता है, पाठा का भी बलि होता है, कोई सिंदूर काजल का भी देते हैं, देख रहे हैं आपकी डोर भी दिया जाता है। ये एक आस्था है, जो जैसा मतलब मांगते हैं ये हम करेंगे, जिस तरह उनकी मन्नतें पूरी होती है वे भी अपनी तरफ से पूरी जी। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिदिन जो है बलि देना पड़ता है, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मतलब रोज आपका एक पाठा मतलब जरूरी है यहाँ देना। मतलब पाठा ही चाहिए कि कुछ और भी, छोटा कबूतर, बतख उतख ये सब? मतलब कुछ भी, कुछ बलि चाहिए, जैसे खून का मतलब रूप में बलि चढ़ाना पड़ता है। इतना आस्था है कि लोगों का विश्वास है इस मंदिर पर, मतलब कुछ भी गुम हो जाने पे वो तुरंत यहाँ मतलब मन्नत ये कर देते हैं कि ये चीज मेरा पूरा होगा तो मैं अपनी तरफ से ये भेंट चढ़ाऊंगा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? मैं क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी आप प्रकृति को लेके आस्था और विश्वास है इसको बनाए रखें, और जो भी आप मतलब पूजा करते हैं आस्था के साथ करें, और जो आपका ग्राम देवता है मतलब ग्राम में जो भी देवी देवता है, हम लोग जिस तरह